आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। कर्नाटक में इस वक्त हिजाब को लेकर बवाल जारी है। कॉलेज में हिजाब बैन होने के बाद से हंगामा बढ़ता जा रहा है। हंगामा भी 3 दिन के लिए इतना बढ़ गया कि हाई स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं अब इस बवाल की याच चुनावी राज्य को भी प्रभावित कर सकती है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। देश में हिजाब पर हंगामा, यूपी में चुनाव, कर्नाटक में बवाल। जहां होती है पढ़ाई, वहां क्यों लड़ाई? हिजाब पर मचे घमासान की यूपी में दस्तक। सोशल मीडिया पर भी हिजाब पर घमासान, क्या यूपी चुनाव पर दिखेगा असर? हिजाब पर क्यों बरपा है हंगामा? कर्नाटक में हिजाब पहनने के मामले ने अब हिंसक मोड़ ले लिया है। राज्य के 2 जिलों में छात्राओं के हिजाब पहनने के खिलाफ छात्रों के भगवा शॉल पहनने के बाद ये विवाद काफी तूल पकड़ गया है। मंगलवार को हिंसा और झड़प के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को 3 दिन बंद रखने का आदेश दिया है। हिंसा और झड़प की वारदातें ऐसे वक्त में हुई हैं जब कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी, बुधवार को भी इस पर बहस होगी। अदालत ने कहा कि इस मामले में वह तर्क और कानून के हिसाब से फैसला देगी, फैसले पर भावनाओं को हावी नहीं होने दिया जाएगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। सीएम बोम्मई ने कहा कि मैं छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्रों के बीच कोई झड़प ना हो, बाहर से आए सभी संबंधित व्यक्तियों से भड़काऊ बयान न देने की अपील की जाती है। बात करते हैं अचानक उठे इस बवाल की, तो कर्नाटक के उडुपी जिले के मणिपाल स्थित MGM कॉलेज में मंगलवार को अचानक तनाव काफी बढ़ गया, जब भगवा शॉल ओढ़े विद्यार्थियों और हिजाब पहने छात्राओं के 2 समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। बुर्का और हिजाब पहनी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह ने कॉलेज परिसर में प्रवेश किया और सिर पर स्कार्फ पहनने के अधिकार के समर्थन में नारे लगाते हुए परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच भगवा शॉल पहने कुछ लड़के लड़कियां भी कॉलेज पहुंचे और दूसरे समूह के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज के कर्मचारियों ने गेट पर ताला लगा दिया, जबकि छात्रों के 2 समूह गेट के पास इंतजार कर रहे थे। वहीं कॉलेज के प्राचार्य देवीदास नायक और शिक्षकों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर नारेबाजी का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जहां एक लड़की अल्लाहु अकबर के नारे लगाती हुई सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर भगवा झंडा लिए कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वहीं इस वीडियो के वायरल होने से इस मुद्दे ने अन्य राज्यों में भी तूल पकड़ना शुरू कर दिया। यूपी जहां 10 फरवरी से चुनाव है, वहीं अब हिजाब की आंच यूपी चुनाव को प्रभावित करती दिखाई दे रही है। AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हिजाब पर बैन का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। उन्होंने इस दौरान युवाओं से कहा कि अगर वो आज झुक गए तो हमेशा के लिए झुक जाएंगे। बहरहाल यूपी में चंद दिनों में चुनाव है और ओवैसी के इस बयान के बाद से माहौल और गर्म हो गया है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल चढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जब हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे।
सामने से वादा नहीं रखेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक याद आएगा। अगर तुम समझोगे कि पैरों की ताकत पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना होश मेरे पास है, मैं जीत सकता हूँ और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी बात को नहीं कर लो कि रोने से भीख मांगने को नहीं मिलेगा। उस पक्षी ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उसके कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कुल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है तो हजारों का लश्कर आ जाए, अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर। हालांकि हिजाब पर जारी घमासान यूपी चुनाव को कितना प्रभावित करता है, किस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है और किस पार्टी को इसका फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।